खबर मंदसौर जिले के सुवासरा से। सुवासरा पुलिस द्वारा अवैध उत्खनन माफियाओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई। मौके से ट्रैक्टर ट्राली अवैध उत्खनन की मिट्टी मोरम से भरे हुए ये जब्त। ट्रैक्टर व ट्रैक्टर मालिकों और मौके से फरार जेसीबी चालक व मालिक को बनाया आरोपी। मंदसौर जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र ताणेकर के दिशा निर्देशनों में निरीक्षक संदीप मंगोलिया थाना प्रभारी सुवासरा ने अवैध उत्खनन माफियाओं पर नकेल कसते हुए 5 ट्रैक्टर में अवैध मिट्टी मोरम भरते हुए ट्रैक्टर चालकों व मालिकों को और मौके से फरार चालक मालिकों के बनाया आरोपी। दिनांक 19/9/2000 को रात्रि में पुलिस गश्त के दौरान पुलिस थाना सुवासरा को सूचना मिली कि गुरालिया प्रताप से एक जेसीबी तथा 5 ट्रैक्टर मोरम उत्खनन कर ले जा रहे हैं। मौके पर रात्रि में पुलिस फोर्स द्वारा सुवासरा में अंडर ब्रिज के यहाँ गुरालिया प्रतीप फंटा के पास में बिना नंबर के 5 ट्रैक्टर व ट्रालियों में अवैध उत्खनन मिट्टी मोरम भरा होना पाए जाने पर तथा साथ में एक जेसीबी मशीन को रोका गया। मौके पर से जेसीबी मशीन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर अपनी जेसीबी को भगाकर ले गया। पुलिस थाना सुवासरा एवं जेसीबी चालक उसके मालिक तथा 5 ट्रैक्टर चालकों व उनके मालिकों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 379/414 भादवी की धारा 4/21 खान एवं खनिज विकास एवं विनियम अधिनियम 1957 नियम 18 मध्य प्रदेश अवैध खनिज उत्खनन परिवहन एवं भंडारण का निवारण नियम 2006 पंजीबद्ध किया जाकर के विवेचना की जा रही है। सुवासरा संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट।